हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वायनेट हेल्थ। मैं हूं आपके साथ भव्या। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे हीना लगे बालों की आप देखभाल करें। अक्सर आपने देखा होगा महिलाएं जो हैं, या आजकल तो लड़कियां भी मेहंदी का प्रयोग अपने बालों में करती हैं। मेहंदी का प्रयोग करना आपके बालों के लिए अच्छा तो है, लेकिन उसके बाद आपको उसकी कैसे देखभाल करनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जिन लोगों को बालों को कलर करने का शौक होता है, वे मेहंदी हीना का अपने बालों में प्रयोग करते हैं। अगर वो मेहंदी हीना अपने बालों में लगाते हैं तो उससे उनके बालों का जो रंग है वो लंबे समय तक तो रहता ही है, लेकिन उनकी बालों की स्किन जो है वो काफ़ी डैमेज हो जाती है। तो कैसे आप हीना लगाए बालों को उनकी देखभाल करें, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताऊंगी। फर्स्ट टिप, रूखेपन से कैसे पाएं निजात। अगर आप हीना मेहंदी का बालों में प्रयोग करते हैं तो आप अक्सर देखेंगे बाल धोने के बाद आपके बाल जो हैं ड्राई हो जाते हैं। मेहंदी प्रोडक्ट जो होता है वो आपके बालों की नमी को छीन लेता है। तो अगर आप मेहंदी लगाते टाइम उसके अंदर नारियल का तेल मिक्स करेंगे, या फिर मेहंदी लगाने के बाद शैम्पू करने के बाद अपने बालों को अच्छे से ऑयल से, या फिर कैस्टर ऑयल मार्केट में आता है उससे अपने बालों की मसाज करेंगे, तो आपके बालों की ड्राइनेस और रूखापन जो है वो कम हो जाता है। तो जब भी मेहंदी हीना का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद अपने बालों को तेल से चंपी कीजिए। सेकेंड टिप, बालों की बनावट की देखभाल। अगर आप महीने में हीना मेहंदी का प्रयोग अपने बालों में करते हैं तो इससे आपके बालों का टेक्सचर जो होता है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप हीना मेहंदी अपने बालों में लगा रहे हैं तो उससे पहले आप आंवले पाउडर को मेहंदी में मिक्स करके अपने बालों पर लगाएं। फिर आप देखेंगे कैसे आपके बाल और भी शाइन और हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि हीना प्रोडक्ट जो होता है वो आपके बालों की त्वचा का रूखापन जो होता है वो छीन लेता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ सूखे आंवलों का पाउडर उसमें मिक्स करें, फिर अपने बालों में उसे लगाएं। थर्ड टिप, सिर की खाल की देखभाल। आपने देखा होगा जब भी आप मेहंदी बालों में लगाते हैं तो मेहंदी को हटाने के बाद आपके सर में खुजली होती है। ये तभी होता है क्योंकि मेहंदी आपके बालों के अंदर अच्छे से समा जाती है, जिससे आपकी सर की स्कैल्प जो होती है वो ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शैम्पू या कंडीशनर को अच्छे से इस्तेमाल करें। जब भी आप मेहंदी लगाने के बाद अपना हेयर वॉश करेंगे तो आप किसी अच्छे शैम्पू या कंडीशनर का यूज़ करें, जिससे आपके सारे बालों की मेहंदी अच्छे से निकल जाए और आपको खुजली जैसी समस्या से छुटकारा मिले। तो आज की इस वीडियो की लास्ट टिप है कि जब भी आप हीना मेहंदी का प्रयोग अपने बालों में करते हैं तो उसके बाद आपको अपने बालों में हाइलाइट्स नहीं कराने चाहिए। हाइलाइट्स यानी कि आजकल आप जो नेचुरल कलर जो पार्लर में होते हैं उसका इस्तेमाल अपने बालों पर नहीं कराएं, क्योंकि हीना और नेचुरल कलर आपके बालों को बहुत डैमेज कर देता है। अगर आप नेचुरल कलर अपने बालों में लगाएंगे तो इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और डेड भी हो जाएंगे। तो नेचुरल कलर का प्रयोग जितना हो सके उतना कम करें, क्योंकि इससे आपके वाइट बाल की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी हीना मेहंदी का प्रयोग अपने बालों में करते हैं तो इन टिप्स को ज़रूर ध्यान रखें। ऐसी ही और ब्यूटी वीडियोस लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक आप अच्छा खाइए और अपनी त्वचा की देखभाल करते रहिए, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा चैनल वायनेट हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।